नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज भोजेंद्र चौहान। आई एम वर्किंग द जिप्सा एट द पोजीशन ऑफ फायर सेफ्टी फैकल्टी। आज जो हम डिस्कशन का जो टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉइज हजार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये नॉइज हजार जो होता है वो क्या होता है। तो नॉइज हजार हम किसे बोलते हैं? नॉइज हजार मतलब एक अनवांटेड साउंड, अनप्रिडिक्टेबल साउंड जो अप्रत्याशित रूप से रिलीज होता है, जिसके सुनने से हियरिंग लॉस होने की वहां पे चांसेस बने होते हैं, उसको हम नॉइस हजार्ड बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो नॉइस हजार्ड ये आपका नॉइस पॉल्यूशन का ही एक पार्ट होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ध्वनि क्रिएट हो जाती है, जिसको सुनने के लिए हमारे जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो कैपेबल नहीं होते। हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस पे बहुत से ऐसे कान होते हैं जिसके कारण नॉइस हजार्ड वहां पे क्रिएट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हमारा जो पीए फैन होता है, प्राइमरी एयर फैन, उसके चलने से या फिर कोई मशीनरी फंक्शन वहां पे वर्क करती है तो उससे भी नॉइस हजार्ड होने के चांसेस बने होते हैं। बात करें हम बॉयलर एरिया की, तो बॉयलर एरिया में भी बहुत ज्यादा अनवांटेड साउंड क्रिएट होता है जो नॉइस हजार्ड का कारण बनता है। या फिर हम बात कर सकते हैं जो हमारा टर्बाइन एरिया होता है, वहां पे भी आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा नॉइस क्रिएट होने के कारण वहां पे अनवांटेड साउंड बहुत तेजी से रिलीज होने लग जाता है। तो इस नॉइस हजार्ड का सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे क्या होता है, तो नॉइस हजार्ड के कारण सबसे ज्यादा हियरिंग लॉस होने के चांसेस बनते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि देखा जाए तो नॉइज हजार के कारण जो हमारे हेल्थ पे जो इम्पैक्ट होगा वो होगा हमारा इरिटेशन ऑफ माइंड, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, तथा हमें कोई भी चीजों में पूरी तरह से मन लगाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। नॉइज हजार के चलते हमें बहुत ही ज्यादा फैटिगनेस आ जाती है, बहुत जल्दी हम थकान महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे इस नॉइज हजार को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉइज हजार को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो हमारे हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, जैसे कि बात किया जाए हमारे हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में जो ईयर मफ हो गया आपका, ईयरबड्स हो गया, तथा आपका जो ईयर प्लग होता है उनका हम यूज कर सकते हैं उस लोकेशन में, उस एरिया में जहां पे भी नॉइज बहुत तेजी से रिलीज होता है। अब किस नॉइज को हम वर्क प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस मानते हैं? वैसे देखा जाए तो ऑडियोबल जो वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है, जो साउंड हमारे लिए ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी के तहत सुनने के लिए काफी कैपेबल होता है, वो साउंड होता है हमारा 82-120 डेसिबल। वैसे देखा जाए तो नॉइज के लिए जो यूनिट बना है वो हमारा डेसिबल बना है, मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि 82-120 डेसिबल ये जो साउंड होगा वो सुनने के लिए कैपेबल होगा। लेकिन जहां पे भी साउंड आपका 120 डेसिबल से ऊपर जाता है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड का आता है। तो हमें लगभग अपने लोकेशन में लगभग 75-85% ऑफ वॉल्यूम हम जो बोल सकते हैं नॉइज या डेसिबल वो हम सुन सकते हैं, मतलब 8 आवर की यदि हमें ड्यूटी परफॉर्म करना है तो उसमें मिनिमम से मिनिमम 85 डेसिबल का साउंड वहां पे क्रिएट होना चाहिए। यदि उसके ऊपर भी यदि साउंड क्रिएट हो रहा है तो उसको हम नॉइज पॉल्यूशन या नॉइज हजार के रूप में देखते हैं। ऐसे लोकेशन में हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वहां पे हम ईयरमफ, ईयरबड तथा ईयरप्लग जो हमारे हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उसका यूज करें, ताकि नॉइज से होने वाली जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं जो हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है, उससे बचाव किया जा सकता है। थैंक यू।